अच्छा, ये है फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन। ये कब दिया जाता है? जैसे कि आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो गया, किस वजह से, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके, जैसे किडनी फेलियर हो गया या और कोई प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो गया, जैसे आपको मतलब यूरिनेशन नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रीट करने के लिए फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये कहाँ पे एक्ट करता है? ये किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसके एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्ट करता है। तो आपको पता होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एक होता है ग्लोमेरुला, फिर होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये किस तरीके से एक्ट करता है, और ऐसा करने से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करने से ये किस तरीके से इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को कैसे रेगुलेट करता है फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, ये आप मुझे बताइए।